आपको बता देते हैं, इसी बीच बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो बड़ी खबर है, दरअसल तमिलनाडु के मदुरई में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। तो लखनऊ से रामेश्वरम जा रही थी ट्रेन, जिसमें आग लग गई है। तस्वीरें आप देखिए, ट्रेन की कोच में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है। दुखद खबर है। तो बता दें आपको कि तमिलनाडु के मदुरई में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। तो बता दें कि लखनऊ से रामेश्वरम जा रही थी ट्रेन, जिसमें आग लगी। तस्वीरें आप देखिए, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड पहुंची है, लेकिन दुखद जानकारी यह है कि 10 लोगों की इसमें मौत हो गई है। भारत अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि ट्रेन की बोगी में आग लगी है, क्या कुछ कारण रहे हैं? दुखद जानकारी ये भी कि 10 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ बिल्कुल, लखनऊ से रामेश्वरम के लिए एक ट्रेन जा रही थी। बाकायदा ट्रेन की एक बोगी को बुक किया गया था प्राइवेट पार्टी की तरफ से, सीतापुर की यह ट्रैवल एजेंसी बताई जा रही है, जिसकी तरफ से ये पूरी पार्टी बुक हुई थी, बोगी पार्टी बुक हुई थी, और 65 लोग सवार थे इस बोगी में। जो जानकारी मिल रही है कि मदुरई जंक्शन के पास इसके अंदर आग लगी, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई है। अभी फिलहाल जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारियां मिल रही हैं, मदुरई जिला प्रशासन की तरफ से 10 लोगों की मौत को कंफर्म किया गया है। वहां पर जैसे ही ट्रेन पहुंची और उसमें आग की सूचना मिली, वैसे ही वहां फायर ब्रिगेड और बाकी इंतजाम को, यानी फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट्स को वहां पर भेजा गया और तुरंत आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन क्योंकि आग इस कदर भड़की थी और क्या वजह है, सिलेंडर या बाकी चीजें, ये बातें अभी निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ साफ नहीं हो पाया कि वजह क्या थी। क्योंकि ट्रेन की सिर्फ एक ही बोगी में आग लगी थी, जो बाकायदा सीतापुर से एक ट्रैवल एजेंसी ने रामेश्वरम जा रहे यात्रियों के लिए बुक की थी, उसमें 10 लोग की मौत मौके पर हो गई थी ज़्यादा जलने की वजह से, और बाकी लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी क्या स्थिति है, मौके पर क्या बनी हुई है, इसके बारे में एक के बाद एक जानकारियां आ रही हैं, लेकिन जो कंफर्म जानकारी हमारे सूत्रों से हमें पता चली है कि 10 लोगों की मौत हो गई है। मदुरई जिला प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं, फायर एक्सटिंग्विशिंग का पूरा इंतजाम चल रहा है, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो बाकी लोग हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ट्रेन से नीचे उतार लिया जाए। ट्रेन के बाकी किसी हिस्से में किसी तरह की आग या किसी और बात की सूचना अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये ज़रूर है कि उसी बोगी में आग लगी है जो बाकायदा यहाँ लखनऊ से उन लोगों को ले जा रही थी। पूरी ट्रेन रामेश्वरम जा रही थी, लेकिन ये सीतापुर के ज़्यादातर लोग रहने वाले थे। सीतापुर की एक ट्रैवल एजेंसी ने ये बोगी बुक कराई थी। सीतापुर से भी जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं, जल्द ही उन 10 लोगों की जानकारी और घायल लोगों की जानकारी और नाम यहाँ पर भेजे जाएंगे। रेलवे अपनी तरफ से भी कोशिश करेगा कि उनके परिजनों तक उनके जो पार्थिव शरीर हैं वो पहुँचे, साथ ही साथ जो लोग घायल हैं उनकी जानकारी उनके परिवारों तक पहुँच पाएँ, और जल्द ही नामों की जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी। ऐसे में जो यात्री इसमें झुलस गए हैं, अभी उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है अस्पताल में? बिल्कुल, वहाँ मौके पर तत्कालिक प्रभाव से मदुरई जिला प्रशासन की तरफ से इंतजाम तेज किए गए, एम्बुलेंसेज वहाँ, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भेजे गए, और वहाँ से जितने भी लोगों को झुलसे या चोटिल हुए उनको फटाफट वहाँ से लेके जाया गया। तेज़ी दिखाई गई इस पूरे मामले में भी, कई लोगों को रेलवे अस्पताल ले जाया गया है, कई लोगों को जंक्शन में ही मेडिकल टीम्स बुलाकर वहाँ उपचार दिया जा रहा है, और ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। जो लोग ज्यादा हीट बर्न हो गए हैं उनको आगे अतिरिक्त उपचार के लिए, यानी बड़े अस्पतालों में भेजा जा रहा है मदुरई के ही, और फिलहाल 10 लोगों की जो मौत है वो उसकी कंफर्म जानकारियां भी हासिल हुई हैं। और ठीक है अभिषेक, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे।